लाजवाब है, शानदार है, खूबसूरत है और श्रद्धा से भरपूर है। आज ये जितने भी शब्द हैं, पावर स्टार पवन सिंह और सुरों के बादशाह सोनू निगम के छठ गीत के लिए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि पवन सोनू की जोड़ी ने मिलकर कमाल ही कुछ ऐसा कर दिया है कि क्या ही कहने। क्योंकि इस बार छठ पर बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री के दो दिग्गज सिंगर का छठ गीत धमाल मचाने वाला है। जय छठी मैया गाने को YouTube पर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि इस बार छठ पर ये गाना हर घर और घाट पर बजने वाला है। गाने में पवन और सोनू ने कुछ इस तरह समा और भावनाओं को बांध दिया है कि आप लोग भी इस गाने में ऐसे खो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। पवन सिंह की आवाज का जादू तो आज तक चलता आया ही है, लेकिन पवन के साथ मिलकर जिस तरह सोनू निगम ने भोजपुरी भाषा में ये गाना गाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। कहना पड़ेगा, पूरे गाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गाने को इतने बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है, हर चीज का खासा ध्यान रखा गया है। पूजा की तैयारी करने से लेकर घाट पर जाकर पूजा संपन्न करने तक इस गाने में सब कुछ दर्शाया गया है। पवन और सोनू का छठ सॉन्ग सुन आप सभी को यही लगेगा कि आप भी घाट पर ही मौजूद हैं। कहानी की बात करें तो इसमें सोनू पवन के बड़े भैया बने हैं और हर्षिका पुनाचा उनकी भाभी। सोनू और हर्षिका विदेश से अपने घर आते हैं छठ महापर्व मनाने के लिए, जहां से गाने की शुरुआत होती है। इस गाने को पवन सिंह और सोनू निगम के साथ मिलकर खुशबू जैन ने अपनी आवाज दी है। गाने को आई बिलीव म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। छठ गीत के लिरिक्स को अरुण बिहारी ने लिखा है, जबकि संगीत छोटे बाबा ने दिया है। गाना छोटे बाबा के डायरेक्शन में ही बनकर तैयार भी हुआ है। यूं तो पवन सिंह और सोनू निगम का हर गाना अलग होता है, लेकिन छठी मैया का ये गाना अब तक का सबसे अलग और नया सॉन्ग है। पवन सिंह और सोनू निगम का छठी मैया स्पेशल भोजपुरी गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ये गाना YouTube पर रिलीज होने के साथ ही तहलका मचा रहा है। गाना आप लोगों को कितना पसंद आया, शेयर कीजिएगा अपने जवाब हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।